नर्मदा जिला केवड़िया खाते केन्द्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण सम्मेलन में हाजरी अपा केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विन कुमार चौबे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात ली थी। केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात लई सरदार साहेब की प्रतिमा ने पाद पूजा करीने भावांजलि आपी हती। તેઓની સાથે ગુજરાતના વન પર્યાવરણ રાજ્યમંત્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા જોડાયા હતા। સૌથી પહેલા તો દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ 75 વર્ષ જે ઉજવી રહ્યા છે એના ભાગરૂપે 2-8 ઓક્ટોબર જે વન્ય જીવ અને પ્રાણી ઉપર જે સપ્તાહ ઉજવાય છે એ કોન્ફરન્સ જે ઉજવાઈ રહી છે અહીંયા તે અમારા માન્ય કેન્દ્રીય મંત્રી રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી શ્રી ચુબેજી અહીંયા ઉપસ્થિત છે। કાલે ભૂપેન્દ્ર યાદવજી અને કિરીટસિંહ રાણા પણ અહીંયા આવવાના છે। 4 દિવસની કોન્ફરન્સ છે, 4 અલગ અલગ સબ્જેક્ટ પર કોન્ફરન્સ થવાની છે। વન્યજીવોને જે જૂની અંદર જે ટ્રીટમેન્ટ અપાય છે એના ફ્યુચર માટે અને ફ્યુચર ડિસીઝ ના થાય એના માટેની એક અવેરનેસ આખું કેમ્પનિંગ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે અને ઓલ ઇન્ડિયાના ઝૂ ઓથોરિટીના ડાયરેક્ટર વેટરનરી ડૉક્ટર્સ બધા અહીંયા અવેલેબલ છે। 105 લોકો જેટલા આવ્યા છે, 15 સ્ટેટમાંથી બધા લોકો અહીંયા આવેલા છે અને ડિટેલમાં ચર્ચા થશે એના નિચોડના ભાગરૂપે કાલે સમાપન થશે અને આવનારા દિવસોનું ચેલેન્જ શું છે એ ચેલેન્જ માટેના ડીપ ચર્ચાઓ થશે। ભારત કા બહુ હી વિશાલતમ ક્ષેત્ર હૈ ભારત મેં ઓર ઇસલિયે હમને અપને મંત્રાલય કી ઓર સે વન્ય પ્રાણીઓ કે રક્ષા કે લિયે વનો કી રક્ષા કે લિયે ઓર એક સંકલ્પ લે કર કે હમ પૂરે દેશ મેં પિછલે 8 તારીખ તક 2 અક્ટોબર સે 8 અક્ટોબર તક હમને વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ સપ્તાહ वाइल्ड लाइफ वीक बनाने का काम किया है। देश के कोने कोने में जहाँ समुद्र में रहने वाले समुद्री प्राणी हैं उसके लिए भी हमने कामना किया है, वहाँ भी अच्छे कार्यक्रम हुए। उसी प्रकार से हमारे वाइल्ड लाइफ का जो है अनेक प्रकार के जो वन्य प्राणी हैं उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो आज़ादी के समुद्र महोत्सव में अनेक कार्यक्रम हम कर रहे हैं उसका समापन हुआ और आज उसी अवसर पर हमारे सभी जो देख रहे हैं कि पूरे देश के चिड़ियाघर के निदेशक और साथ साथ जो वेटनरी डॉक्टर हैं जो उनके पशु चिकित्सक हैं उनका समागम है और साथ साथ वाइल्ड लाइफ को देखने वाले जितने इस प्रकार के स्टेक होल्डर्स हैं ऐसे सभी वन्य प्राणी प्रेमी हैं वो सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस स्थल पर इकट्ठा होने का एक कारण भी ये स्थल एकात्मता का स्थल और निश्चित रूप से यहाँ से वो संदेश जा रहा है कि हम केवल मनुष्य की चिंता नहीं करते तो मनुष्य और प्राणियों की एकात्मता की बात किसी धरती से हो सकता है और प्रधानमंत्री जी की ये बराबर इच्छा रही है और इसलिए यहाँ के इस सम्मेलन से हम देशवासियों को यह संदेश देना चाहेंगे कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्राणियों और पशुओं के बीच सद्भावना हो, आपस की मैत्री भाव हो तो हम प्रकृति के दिए हुए सभी प्रकार के जो वस्तुएं उनका रक्षण करें, उनका पोषण करें, उनका संवर्धन करें तो प्रकृति रक्षति रक्षिता प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेंगी। ऐसे कामों के लिए आए हैं, 2 दिनों का इनके सैद्धांतिक व्यवहारिक और तकनीकी सत्र भी होंगे। इन सत्रों के माध्यम से जहाँ चिड़ियाघर को और कैसे देश भर में जो 150 लगभग चिड़ियाघर छोटे बड़े हैं उनको कैसे समृद्ध बनाया जाए, कैसे जो जानवर जो जीव जंतु यहाँ नहीं है दूसरे जगह है उनसे कैसे लाया जाए और खास करके युवा पीढ़ी बच्चों में तो उसके प्रति कैसे भाव जगाया जाए तो इस प्रकार के चिड़ियाघर पर ये वैश्विक महामारी के बाद इतना बड़ा सम्मेलन यहाँ पिछले 2 सालों के बाद आयोजित हुआ जिसमें लगभग